हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट करा रखा है जिसमें लाइफ प्रोसेस, रिस्पायरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तीनों चैप्टर मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। मैंने सभी चैप्टर का कह लें या सभी सब्जेक्ट का मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, चैप्टर का नहीं सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे जनरली कि उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स होते हैं सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परिभाषा कि उत्सर्जन आखिर है क्या, उत्सर्जन कहते किसे हैं। तो देखिए, उत्सर्जन का सीधा तात्पर्य होता है किसी भी पदार्थ को बाहर निष्कासित करना। यानी कह लें हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपापचयी क्रियाएं मतलब अपचयन और उपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो इसके कारण क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनका निर्माण होता है। और इन्हीं पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उत्सर्जन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो परिभाषा समझ में आ गया होगा कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जितने भी पदार्थ बनते हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निष्कासित करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, उत्सर्जन जो होता है तो उत्सर्जन के लिए हमारे शरीर में सिर्फ एक ही अंग मिलकर के, एक ही अंग ये काम नहीं करता है, वरन हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो उत्सर्जन को संपादित करता है, उत्सर्जन की क्रिया को संपादित करता है। छोटे एग्जांपल की बात कर लें तो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग बोला जाता है वह है किडनी। उसके साथ साथ हमारे शरीर में त्वचा, ये भी उत्सर्जन का काम करता है, ठीक है। फेफड़ा, ये भी उत्सर्जन का काम करता है। यकृत, ये भी उत्सर्जन का काम करता है, ठीक है। यानी कि कह लें कि बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो कि उत्सर्जन के क्रिया में मदद करते हैं, सहभागीदारी निभाते हैं। तो इन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो इन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। यानी इस तरीके से परिभाषित करेंगे, हमारे शरीर में उत्सर्जन के लिए जितने भी अंग होते हैं उन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से या मिलाकर क्या कहेंगे, परिवहन तंत्र कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट कंप्लीट हो गया होगा, परिवहन और उत्सर्जन तंत्र, ओके। अब देखिए, अब हमारा मेन टॉपिक आता है कि हमारे शरीर में कैसे उत्सर्जन होता है, मनुष्य में कैसे उत्सर्जन होता है। तो मैंने अभी बता ही दिया कि मनुष्य में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक्सक्रेशन में हेल्प करता है, लाइक किडनी, फेफड़ा, ये सब चीज़। तो हम लोग इस वीडियो में जनरली बात करेंगे किडनी के बारे में, ठीक है, कि किडनी जो है हमारे शरीर में किस तरीके से काम करता है, ठीक है। उससे पहले हम जान लें कि किडनी होता क्या है। तो देखिए, अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी कहाँ स्थित होता है, हमारे उदर गुहा में स्थित होता है, ठीक है। और किडनी की संख्या कितनी होती है, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में किडनी की संख्या 2 होती है जो हमारे उदर गुहा में स्थित होती है, ओके, समझ में आ गया होगा। और किडनी का अगर हम शेप की बात करें, इसके साइज़ की बात करें कि इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है सेम के बीज के जैसा, सॉरी सेब नहीं, सेम, ठीक है। सेम का जो बीज होता है उसी के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो कैसा, सेम का बीज कैसा होता है, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बना के बता रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से होता है हमारे शरीर में, ठीक है। देखिए, इस टाइप का किडनी का स्ट्रक्चर होता है हमारे शरीर में, ठीक है। ये जो है आपका मूत्र नलिका है, ये होता है धमनी और ये होता है सिरा। अब इसके अंदर अगर हम जाएं तो कुछ इस तरीके से ये अपना स्ट्रक्चर बनाए हुए होते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप का इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जनरली जो हमारा किडनी होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पिक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है ये तो मूत्र नली में चला जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो धमनी है यह शुद्ध ब्लड को किडनी में लाता है, ठीक है।
कौन से ब्लड को? शुद्ध ब्लड को। और ये जो है सीरा, ये क्या करता है? अशुद्ध ब्लड को, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? इसका फिल्ट्रेशन होता है। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये जो इसका बाहरी भाग है, यानी कि ये बाहरी भाग जो है, इस बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? तो इस बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बाहरी भाग जो है इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और ये जो आंतरिक भाग है इसको बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं? मेडुला। ओके, समझ में आ रहा होगा। ये जो बाहरी भाग है इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं, और ये जो आंतरिक भाग है, ये आंतरिक भाग जो है इसको क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किडनी का जो बाहरी भाग होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, और इसका जो आंतरिक भाग होता है इसको किस नाम से जानते हैं? मेडुला के नाम से जानते हैं। ओके, देखिए मेडुला, एक होता है मेडुला और एक होता है मेडुला ओब्लॉन्गेटा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप इसको सेम नहीं समझेंगे, बराबर नहीं समझेंगे। मेडुला जो है यह किडनी का आंतरिक भाग है, और अगर हम मेडुला ओब्लॉन्गेटा की बात करें तो ये मस्तिष्क का जो पश्चिम मस्तिष्क है उसका टाइप होता है, जिसमें मेडुला ओब्लॉन्गेटा पॉन्स वेरोलाई दोनों आते हैं, ठीक है। तो वो मस्तिष्क का भाग है, लेकिन मेडुला किडनी का भाग है, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक जो किडनी होता है, किडनी की अगर हम साइज़ की बात करें, ठीक है, तो किडनी का लंबाई कितना होता है? किडनी की अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई लगभग 11 से 12 सेंटीमीटर के करीब होता है। लंबाई कितना? 11 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई की बात कर लें इसकी, तो चौड़ाई जो होती है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो चौड़ाई हो जाता है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब किडनी की मोटाई की बात कर लें तो मोटाई कितना हो जाएगा किडनी का? किडनी का मोटाई हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। देखिए इसको याद रखना एकदम आसान है, लंबाई चौड़ाई मोटाई, लंबाई सबसे ज़्यादा, यानी कि अब देखिए यहाँ पर 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 मल्टीपल करके होता चला जा रहा। तो इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं, किडनी का जो मोटाई होता है वह 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और लंबाई लगभग 11 से 12 सेंटीमीटर के करीब होता है। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं कि इतना पॉइंट आपको किडनी से रिलेटेड समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और देख लेते हैं कि किडनी जो है, किडनी के ठीक ऊपर एक इम्पोर्टेंट पार्ट पाया जाता है जिसको हम लोग ग्लैंड कहते हैं। कुछ यहाँ पर इस तरीके से एक ग्रंथि होता है जिसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसका? एड्रिनल ग्लैंड है इसका नाम, ठीक है। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसको हिंदी में अधिवृक्क कहते हैं। अब अधिवृक्क का काम हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, तो उसमें अंतःस्रावी ग्रंथि और के बारे में बताया गया है। हालांकि बाह्यस्रावी के बारे में नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों का रिक्वायर्ड होगा तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ठीक ऊपर पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इससे स्रावित होता है कौन सा हार्मोन? एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है, एड्रिनलिन हार्मोन, जो क्या करता है? आपातकालीन स्थिति में स्रावित होता है। आपातकालीन कहने का मतलब ये होता है, एकाएक क्या होता है, अगर किसी भी प्रकार का टेंशन आता है हमारे शरीर के ऊपर या किसी चीज़ से डर जाते हैं, तो उससे लड़ने के लिए, उससे हमारे शरीर को बचाने के लिए, हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है। इसीलिए एड्रिनलिन हार्मोन को क्या कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन, और एड्रिनल ग्लैंड को आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एड्रिनलिन हार्मोन को लरो और उरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि सारा पॉइंट आप लोगों को किडनी से रिलेटेड समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा किडनी कंप्लीट होता है। अब बात आता है कि किडनी जो है यह बना किससे है, किस आखिर इसमें ऐसी कौन सी कोशिका है सबसे छोटी जिससे इसका फॉर्मेशन हुआ है? तो किडनी का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, या कह लें कि फंक्शनल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, यानी वृक्क की इकाई की बात कर लें तो ये होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। और अगर हम बात करें प्रत्येक वृक्क में कितना नेफ्रॉन होता है, तो लगभग 10 लाख के करीब क्या होता है? नेफ्रॉन होता है प्रत्येक वृक्क में। मतलब शरीर में 2 वृक्क होते हैं, इसका मतलब 10 × 20 लाख के करीब क्या होगा हमारे शरीर की अगर बात करें तो 20 लाख से भी ज़्यादा, ये एवरेज है। ओके,
ऐसा नहीं है कि फिक्स 20 लाख कह दिया तो 20 लाख ही, ठीक है, एवरेज लिया जाता है। तो 20 लाख लगभग नेफ्रॉन की संख्या प्रत्येक किडनी में होती है, ठीक है। और किडनी जितना भी वर्क करता है, एक्सक्रिएशन में जितना भी वर्क डन करता है, ठीक है, उस सभी काम में मदद कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। इसीलिए इसे फंक्शनल यूनिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे किसे कहा जाता है, नेफ्रॉन को। और संरचनात्मक इकाई भी, स्ट्रक्चरल यूनिट भी नेफ्रॉन को ही कहा जाता है। इसी नाम से जुड़ता मिलता जुलता एक और नाम है न्यूरॉन, ठीक है। अक्सर क्या होता है एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कन्फ्यूज करके हम लोग अक्सर होता है न्यूरॉन टिक करके आ जाते हैं। तो याद रखना है वृक्क की जो यूनिट है वह नेफ्रॉन है, ना कि न्यूरॉन। न्यूरॉन किसका यूनिट है, तो न्यूरॉन यूनिट है नर्व सेल का, तंत्रिका कोशिका का, ठीक है, तंत्रिका कोशिका का। तंत्रिका कोशिका के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, जो हम लोग उसी चैप्टर में पढ़ेंगे जिस चैप्टर में ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, क्या कि वृक्क की जो इकाई है वह क्या है, न्यूरॉन है। वृक्क की इकाई न्यूरॉन या नेफ्रॉन, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इतना सारा चीज़ हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लें, हम बात कर लें उत्सर्जन के परिभाषा का। परिभाषा क्या होता है, उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जितने भी नाइट्रोजनी पदार्थ बनता है उनको हमारे शरीर से निष्कासित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में बहुत सारे अंग मदद करते हैं, उन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं, ठीक है, या उत्सर्जन तंत्र कह लें इसको, ठीक है। सभी को कंप्लीट एक साथ बॉन्डेड करेंगे तो वो सारा क्या कहलाएगा, परिवहन तंत्र कहलाएगा, सभी मिल करके परिवहन तंत्र कहलाएगा, ठीक है। अब मानव में उत्सर्जन की बात करें तो मानव में उत्सर्जन के लिए प्रमुख अंग कौन सा है, किडनी है। इसके साथ साथ और भी अंग है जैसे फेफड़ा, लीवर वगैरह, लेकिन प्रमुख अंग किडनी है। किडनी बना किससे है, नेफ्रॉन से बना है। देखिए कभी कभार हम भी कंफ्यूज कर जाते हैं, नेफ्रॉन न्यूरॉन, बोलना नेफ्रॉन होता है लेकिन न्यूरॉन बोल देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अक्सर होता है ऐसा गलती। नेफ्रॉन क्या है, वृक्क का यूनिट है, ठीक है। और प्रत्येक वृक्क में कितना, 10 लाख के करीब नेफ्रॉन पाया जाता है। अब बात कर लें वृक्क का कार्य, वृक्क का कार्य यानी वृक्क कार्य कैसे करता है, तो देखिए वृक्क के द्वारा जो कार्य होता है वह 3 चरणों में कंप्लीट होता है, ठीक है। कौन कौन सा है, तो देखिए एक तो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक है ट्यूबुलर पुनर्वसोषण, एक है ट्यूबुलर श्रवण, ठीक है। तो ये तीनों क्रियाएं मिल करके, यानी कह लें वृक्क जो कार्य करता है यह इसी 3 चरण में कंप्लीट करता है, ओके। तो चलिए एक पिक बनाते हैं और उसकी सहायता से हम लोग देखेंगे कि कैसे वृक्क काम करता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो वृक्क नलिका होता है उसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि देखिए कार्य की जब भी बात आएगी तो मैंने कहा था फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट कौन सा, नेफ्रॉन है, ठीक है। तो नेफ्रॉन के द्वारा ही ये तीनों काम किया जाएगा। तो देखिए अगर हम नेफ्रॉन का संरचना बनाएं, नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन का संरचना कुछ इस टाइप का होता है, इसमें एक प्याले जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है। ये जो प्याला जैसा संरचना नजर आ रहा है, ये प्याले जैसी एक संरचना पाई जाती है और इसी को कहा जाता है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से नीचे की ओर आता है और नीचे थोड़ा नीचे आने के बाद ये पतला हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, पतला, और उसके बाद ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है नेफ्रॉन का पिक बनाने के लिए, ठीक है, मैट्रिक का अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसमें आपको पूछा जाता है नेफ्रॉन का पिक बनाने के लिए, तो देख लें किस तरीके से आप पिक बना सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए जैसे यहाँ से पतला हुआ था, आगे चलने के बाद ये क्या हो जाएगा, फिर आगे जाने के बाद ये मोटा हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये आगे कहाँ, संग्राहक नली के साथ कनेक्ट हो जाएगा, संग्राहक नली, ठीक है। और ये जो संग्राहक नली है नीचे कहाँ चला जाएगा, मूत्राशय की ओर चला जाएगा। इसमें बहुत सारे और सेल इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। आप जब कॉपी पर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप जरूर छोड़ दीजिएगा। चलिए तो ये हमारा बन के आ गया एक न्यूरॉन का पिक, ठीक है, एक सिंपल सा न्यूरॉन का पिक है, मैंने इसको थोड़ा सा रफ बनाया है, ठीक है, आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से बनाइएगा। देखिए
प्रत्येक न्यूरॉन में क्या सॉरी नेफ्रॉन में क्या होता है कि प्याले जैसी संरचना होती है और इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट, यानी कि बोमेन कैप्सूल इंग्लिश में, ठीक है। अब इसी में क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे कोशिकाओं का जाल होता है जो कि जाल के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस संरचना को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। इससे एक नली निकलती है जो कि अपेक्षाकृत मोटा होता है। इससे दो नली निकलती है, एक नहीं, एक तो ये निकल करके आ गया और इसके साथ एक और नली ऐसे निकलती है, ठीक है, समझ में आ गया। ये नली इसके अपेक्षा मोटा होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका, और इसको क्या बोलते हैं, अपवाही धमनिका। ओके, क्या बोलते हैं, अपवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है। अब ये क्या होगा, शरीर के सभी भागों से ब्लड को लेकर के आएगा ग्लोमेरुलस में। अब देखिए कार्य कैसे होगा, सबसे पहला तो काम होगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, यानी कि ये जो ग्लोमेरुलर है, ये जो ग्लोमेरुलर है, ग्लोमेरुलर में जो फिल्ट्रेशन होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब शरीर के सभी हिस्सों से ब्लड जो है वह अभिवाही धमनिका के माध्यम से क्या आएगा, ग्लोमेरुलस में आएगा, और ग्लोमेरुलस में आने के बाद यहाँ पर क्या होता है, ये पतला सा जाल बनता है और ये एक पतला नली निकलता है। चूँकि इसका व्यास इससे मोटा था, अपवाही धमनिका से, अपवाही धमनिका का व्यास क्या था, ज़्यादा था, जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर रक्त पर दबाव बनता है, सेल पर दबाव बनता है, जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर के वजह से इसमें से जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं वो छन करके कहाँ जाते हैं, बोमेन संपुट में आ जाते हैं छन करके, ठीक है। और जो बच गए शुद्ध ब्लड वो अपवाही धमनिका के माध्यम से शरीर के सभी भागों में ट्रांसफर हो जाता है। यानी यहाँ पर ग्लोमेरुलस में क्या हो गया, अधिक दाब के वजह से ब्लड का फिल्ट्रेशन हो गया, रक्त का शुद्धिकरण हो गया, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन समझ में आ गया, ग्लोमेरुलस में रक्त के अधिक दबाव के वजह से क्या होता है, जो क्षमता है जितने भी ब्लड के साथ आते हैं मिनरल्स वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, या डायरेक्ट कह लें ग्लोमेरुलर में होने वाले फिल्ट्रेशन को ही ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नली नीचे की ओर, सॉरी ये जो फिल्ट्रेट बचता है वो आगे नली में नीचे की ओर आता है। इस नली को देखिए, ये व्यास यहाँ से और यहाँ तक जो पतला वाला व्यास है इसको बोलते हैं हेनले का चाँप, हेनले का चाँप, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हेनले का चाँप। अब जब ये फिल्ट्रेट इस नली में आ जाता है तो यहाँ पर जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि उच्च दाब पर जो यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, तो फिल्ट्रेट्स के साथ साथ कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, अच्छे पदार्थ जो कि इस नली में आ जाते हैं, तो उस अच्छे पदार्थ को यह जो नेफ्रॉन की जो नलिका है, वृक्क कोशिका है, या क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो वृक्क नलिका के द्वारा बचे हुए पदार्थों का अवशोषण ही क्या कहलाता है, ट्यूबुलर पुनर्वशोषण कहलाता है। ओके, समझ में आ रहा होगा। और अवशोषित कर लिया, अब चूंकि जब यह अवशोषित कर लिया फिर आगे की ओर जाएगा, तो आगे की ओर जाने के बाद इस कोशिका से भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, इस ट्यूब में स्रावित होते रहते हैं। तो वृक्क नलिका के दीवार से क्या होता है, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ वृक्क नलिका की कोशिका यानी वृक्क कोशिका में स्रावित होते रहते हैं, जिसे हम ट्यूबुलर श्रवण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बने, लाइक यूरिन की बात कर लें, मूत्र की बात कर लें, तो ये सीधे कहाँ आता है, संग्राहक नली में, इसको क्या बोलते हैं, संग्राहक नली बोलते हैं, संग्राहक नली में आता है और इसके बाद ये मूत्राशय में जाकर के स्टोर रहता है, और जब मूत्राशय भर जाता है तो हमें पेशाब का आभास होता है और हम लोग क्या करते हैं, उसको त्याग देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनर्वशोषण और ट्यूबुलर श्रवण क्या है, सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, वृक्क के द्वारा कार्य कैसे होता है, तो याद रखिएगा वृक्क के द्वारा कार्य तीन चरणों में संपन्न होता है। पहला ट्यूबुलर श्रवण, सॉरी पहला क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनर्वशोषण और ट्यूबुलर श्रवण, तीन चरण। ट्यूब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ग्लोमेरुलस में होने वाले फिल्ट्रेशन को ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। कभी कभार क्या पूछ लेता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं, तो चूंकि ग्लोमेरुलस में उच्च दाब के कारण फिल्ट्रेशन होता है इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिर क्या होता है, कभी कभी कोशिका जो वृक्क कोशिका होती है, ठीक है, यानी कि
नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन के जो दीवार होती है कुछ अच्छे पदार्थ को अवशोषित कर लेती है, इसी को क्या बोलते हैं ट्यूबुलर पुनर्वसोषण। और नेफ्रॉन की दीवार से कुछ पदार्थ स्रावित होकर के मिल जाते हैं, कौन किस में, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वृक्क कोशिका के अंदर, उसमें अगर के मिल जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं ट्यूबुलर श्रवण बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीनों काम हो जाने के बाद लास्ट में हमें क्या मिलता है, मूत्र बन के कहाँ, यूरेथ्रा में जाकर के संचित रहता है। ठीक है, कहाँ, यूरेथ्रा में जाकर के संचित रहता है। अब हम बात कर लें मूत्र का, तो मूत्र जो है हल्का पीले रंग का द्रव होता है जो अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय कहने का मतलब, अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा तो मैंने बताया था कि सोरेनसन ने एक पैमाना दिया था और उसी पैमाने के माध्यम से उन्होंने बताया था कि कोई पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है। ठीक है, तो देखिए मूत्र की बात कर लें तो मूत्र क्या है, मूत्र सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है मूत्र क्या है, तो याद रखिएगा मूत्र हल्के पीले रंग का अम्लीय पदार्थ है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जल पाया जाता है, लगभग 90% के करीब इसमें जल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद और भी अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ये सारे होते हैं। अब मूत्र के रंग की बात कर लें तो मूत्र का रंग मैंने जस्ट कहा पीला होता है। मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला होता है मूत्र का रंग। ठीक है, क्यों होता है मूत्र का रंग पीला, तो इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है यूरोक्रोम। मूत्र में एक पिगमेंट होता है और उस पिगमेंट का नाम क्या है, यूरोक्रोम। और इसी यूरोक्रोम की वजह से क्या होता है, मूत्र का रंग पीला होता है। पीएच मान की बात कर लें तो पीएच वैल्यू होता है 6, और अगर किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर का यदि पीएच वैल्यू 6 है तो वह किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। कौन से नेचर का, एसिडिक नेचर का होगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हीमोडायलिसिस और ये जो बचते हैं वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं या स्टडी ग्रुप हैं उन सभी में इसको शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।